हाय लवली पीपल आउट देयर, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ छोटू सा मिंत्रा हॉल। सो गाइज, मैंने रिसेंटली मिंत्रा से कुछ टॉप्स परचेज करे थे, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो आपको छोटी छोटी साइड पे क्लिप्स इंसर्ट करके दिखा दूंगी कि किस तरीके से वो टॉप मुझ पे लग रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा पड़ जाए, ठीक है गाइज। एंड रिसेंटली लास्ट वीक ही मैंने आप लोगों के साथ इनका मिंत्रा का टी शर्ट हॉल शेयर करा था। सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, या ऊपर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी। सो उस वीडियो को जाके भी आप जरूर चेकआउट करना गाइज। उसमें मैंने आपको 4 टी शर्ट शेयर करी है, जो कि बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट टी शर्ट है। सो वो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए गाइज, आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइज, ये हैं चारों टॉप जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉप। सो द फर्स्ट टॉप इज इन ब्लैक इन कलर, एंड आई नो काफ़ी लोगों का ब्लैक जो होता है कलर वो फेवरेट होता है। मेरा भी ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। इसे मैंने परचेज करा था फ्रॉम द ब्रांड द वैंसा। यू कैन सी यहाँ पे ब्रांड नेम प्रिंटेड है, आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। सो जो वैंसा ब्रांड है, इसके ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉप हैं। सो किसी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, या कभी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ अपने टॉप कलेक्शन शेयर कर दूँगी जो वैंसा ब्रांड से होगा, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये है कुछ टॉप। सबसे पहले आप टॉप की क्लोजर लुक ले लीजिए। सो इस तरीके का आपको ये टॉप मिल जाएगा, ठीक है गाइज। फ्लोरल प्रिंट के साथ आपको ये टॉप मिलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टॉप है। सो आपको इसके नीचे स्लिप या स्पेगेटी कैरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो अगर हम इसके नेक के बारे में बात करें, सो गाइज आपको इस तरीके का की होल नेक मिल जाता है विद बटन क्लोजर, एंड नीचे तक बटन दे रखे हैं। सो ये जस्ट फॉर फैंसी पर्पस है, इन्हें आप ओपन नहीं कर सकते। स्लीव्स गाइज आपको कोल्ड शोल्डर टाइप की स्लीव्स मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे आपको आप देख सकते हो इस तरीके की 3/4 स्लीव्स हैं। मुझे तो ये फुल स्लीव्स ही आती हैं, ठीक है, एंड ब्रॉड साइज का इस तरीके की कुछ स्लीव्स हैं। सो सिंपल सा ये टॉप है। साइज गाइज मैंने इसमें मीडियम परचेज करा था, यू कैन सी। सो दिस मीडियम साइज इज परफेक्ट फॉर बस साइज 34। सो जितना भी मेरा साइज रहेगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो ऑल्सो साइज चार्ट आपको यहाँ कहीं नजर आ रहा होगा, सो आप अपने अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल प्राइस रहा था दैट वॉज 1400 रुपीज, मैं आपको साइड पर मैंशन कर दूंगी, कहीं स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एंड सेल पर मुझे ये 350 के आसपास मिल गया था, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मुझे ये टॉप मिल गया था। सो गाइज हल्का सा ये मुझे लूज है, बट इट्स ओके। अगर हम इसके मटेरियल के बारे में बात करें, सो गाइज इसका मटेरियल जो है दैट इज पॉलिस्टर, एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है गाइज ये पहनने पे। आपको साइड पे कहीं क्लिप भी नजर आ रही होगी, मैंने आपको दिखाया, मैंने इसे ब्लू जीन्स के साथ कैरी करा था। सो ओवरऑल मुझे ये टॉप काफी ज्यादा पसंद आया। सो ये था गाइज हमारा फर्स्ट टॉप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड टॉप। ऑल राइट गाइज, सो अभी हम सेकेंड टॉप देखेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉप इज फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर। सो यहाँ पे आपको ब्रांड नेम दिख रही होगी, ठीक है गाइज। सो सबसे पहले आप टॉप देख लीजिए। सो इस तरीके का आपको ये टॉप मिल जाएगा, रेगुलर सा टॉप है ये, ठीक है। सो गाइज इसे मैंने परचेज करा था इन द साइज स्मॉल, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 999, दैट इज 1000 रुपीज, बट मुझे ये सेल पे आराम से 500 के आसपास शायद मिल गया था। सो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है गाइज। सो राउंड नेक के साथ ये टॉप आता है विद कोल्ड शोल्डर स्लीव्स, जो इसकी स्लीव्स हैं गाइज वो 3/4 हैं, ठीक है। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस टॉप की लगी दैट मेक्स द टॉप स्टाइलिश, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का है एग्जैक्टली। अभी मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, आप साइड पे क्लिप देख लेना जैसे मैंने पहना हुआ है। सो यहाँ पे आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न वाली स्लीव्स मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक देता है, एंड इसका कलर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो इस तरीके का है गाइज, ये रेगुलर सा टॉप है, ठीक है। अगर हम इसके मटेरियल के बारे में बात करें, सो गाइज दिस इज अ ब्लेंड ऑफ इलास्टिक प्लस पॉलिस्टर। सो चुभता नहीं है, सॉफ्ट सा कपड़ा है गाइज, एंड अंदर से इसका मटेरियल कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके का ये टॉप है गाइज, इसमें आपको एक दो कलर और भी मिल जाएंगे, सो आप चेकआउट कर लेना। एंड नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर दे रखा है रोडस्टर का, सो आप देख सकते हो। सो ये टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप इसे ब्लैक जेगिंग्स के साथ पेयरअप करोगे तो और भी ज़्यादा खिल के ये कलर आएगा, ठीक है गाइज। सो ये था हमारा सेकेंड टॉप। द नेक्स्ट टॉप इज फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी, एंड मुझे ये जो ब्रांड जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करी है ना गाइज, रोडस्टर, ड्रेसबेरी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स हैं मिंत्रा से। एंड मुझे इनके जितना भी फैब्रिक होता है ना, मटेरियल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो दिस इज द रेगुलर सॉलिड ब्लैक टॉप, सो ब्लैक कलर का है ये, इस तरीके से ये है गाइज, ये यू कैन हैव अ लुक ऑफ द टॉप, ठीक है। सो इस तरीके से ये कुछ टॉप है, ब्लैक कलर का है, 3/4 स्लीव्स के साथ ये टॉप आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैश डिटेलिंग दे रखी है, सो इस तरीके से, ठीक है।
सो यू कैन सी मैश डिटेलिंग है, ये आपका साइड पे ये मैश आएगा, 3-4 स्लीव्स है एंड राउंड नेक के साथ ये टॉप आता है. मैंने इसे स्मॉल साइज में परचेज करा था, ठीक है. यहाँ पे आपको साइज दिख रहा होगा. एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी गाइज वो ये है इसका बैक. सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डीप बैक है इसका, एंड यहाँ पे आपको स्ट्राइप दे रखी है इस तरीके से, ठीक है. वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा जो मैंने यहाँ पे ट्राई ऑन दिखा रखा है आपको. सो अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं गाइज, 1100 है इसका प्राइस, 1099, बट मुझे ये 500 के आसपास मिल गया था. इलास्टिकेटेड हेम है इसका, यहाँ पे आपको इलास्टिकेटेड यहाँ पे पूरा इलास्टिक दे रखा है. सो इस तरीके से है ये, ठीक है. ऐसे है नीचे से, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. सो इस तरीके से है ये, इसका क्वाइट स्ट्रेचेबल गाइज. इसकी सिर्फ एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मुझे ना हल्का सा छोटा आ रहा है. सो मे बी मैं इसे एक्सचेंज करके मीडियम साइज परचेज करूँ. सो दैट्स इट, बाकी तो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. सो ये था सेकेंड टॉप, इसे आप अपनी ब्लू जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हो. सो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा, इसका बैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. लास्ट टॉप देखते हैं ऑफ द हॉल एंड माई मोस्ट फेवरेट टॉप. सो गाइज ये है टॉप, आप देख सकते हो मैंने इसे मस्टर्ड येलो कलर में परचेज करा था. कितना प्यारा कलर है, एंड मैंने आप लोगों को मिंत्रा हॉल पार्ट 1 में भी ये बात बोली थी कि मुझे मस्टर्ड येलो, येलो कलर, ये समर्स में पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो ये जो ब्रांड है दिस इज़ केमिस्ट्री, सो यहाँ पे ब्रांड नेम आपको दिख रहा होगा. मैंने इसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में परचेज करा था. सो या गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप केमिस्ट्री ब्रांड से कोई भी क्लोथिंग आइटम परचेज करना चाहते हो, सो अगर आपको मीडियम साइज़ आता है, अगर आपका रेगुलर साइज जो है दैट इज़ मीडियम, सो आप स्मॉल साइज परचेज करना. अगर आपको स्मॉल साइज आता है सो आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज परचेज करना, बिकॉज ये जो ब्रांड है ना इसमें एक साइज बिगर ये कपड़े बनाते हैं, सो आपको छोटा साइज परचेज करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये इस तरीके का आपको राउंड नेक मिल जाएगा. यहाँ पे कितना प्यारा अब यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, यू कैन सी फाइन एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. एंड इसका नेक पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, यहाँ पे आपको बटन क्लोजर दे रखा है, ये आप ओपन कर सकते हो. सो ये गाइज ए लाइन टॉप है बेसिकली, यू कैन सी. अगर हम इसके मटेरियल के बारे में बात करें, सो दिस इज़ पॉलिस्टर, बट इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. एंड बेल स्लीव्स के साथ ये टॉप आता है, आप देख सकते हो क्लिप में साइड में कि कितना प्यारा लग रहा है. अगर आप इसे ब्लैक जेगिंग्स के साथ पेयर करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खिल के ये कलर आएगा. एक बात है गाइस, जब मैंने इसे वेबसाइट पे चेकआउट करा था ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था ये, बट जब मैंने इसे रिसीव करा तो हल्का सा बिट डल है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है कलर, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, ठीक है गाइस. सो अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, सो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज़ 1700 रुपीज़, बट मुझे ये 650 के आसपास मिल गया था. एंड यहाँ पे आपको अटैच लाइनिंग भी दे रखी है, ठीक है, इस तरीके के अंदर लाइनिंग है. सो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट टॉप नहीं है, आपको टेंशन कर लेने की ज़रूरत नहीं है. सो गाइज ओवरऑल मुझे इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसके जो एम्ब्रॉयडरी है नेक पे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. सो यह गाइज ये थे चारों टॉप्स जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. इन सभी के परचेज लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ऑल्सो गाइज आप मेरी वो वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट करना, मिंत्रा हॉल पार्ट 1, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ समर अप्रोप्रिएट टी शर्ट शेयर करी थी. बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स पे आपको वो टी शर्ट्स मिल जाएंगी गाइज. सो वो वीडियो भी जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो जाने से पहले मेरी वीडियो को कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब. अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे थे, मैं इसी तरीके की ब्यूटी DIYs और मिंत्रा हॉल वगैरह, फ्लिपकार्ट जितने भी ये वेबसाइट्स हैं वहाँ से परचेज करती रहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है. तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई लव यू ऑल, नमस्ते.